पिहोवा में पहुंचा हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन का लश्कर। पिहोवा में आज हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन का लश्कर पूरे जोर शोर के साथ हजारों की संख्या में सैकड़ों ट्रैक्टरों पर किसान आंदोलनकारियों का एक बड़ा लश्कर सरकार से आर पार की लड़ाई करने के लिए पहुंचा। इस लश्कर की अगुवाई हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन के अध्यक्ष राम दलाल कर रहे थे, जो कि एक जाने माने वकील भी हैं। एडवोकेट राम दलाल ने कहा कि हमारी लगभग 25 मांगे हैं जो हरियाणा सरकार पूरी नहीं कर रही, जिसमें सरकार द्वारा किसानों की एक्वायर की हुई जमीन का मुआवजा प्रति एकड़ 2 करोड़, SYL नहर का मुद्दा, कई अन्य मांगे भी हैं जो कि सरकार पूरी नहीं कर रही है। इसलिए किसान अपनी मांगे मंगवाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और जब तक सरकार द्वारा किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तब तक यह आंदोलन इसी तरह चलता रहेगा। मैं रमेश दलाल, अध्यक्ष हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन, NH 152D 352A, उसके मुआवजे के अतिरिक्त बहादुर का आर जोन और अन्य किसानों की 25 मांग हमारी है, जिसमें MSP को बढ़वाना और खरीद की किसान की फसल की गारंटी का कानून बनवाना और SYL भी शामिल है। हम इन मांगों को मनवाने के लिए पिछले 8 महीने से सड़कों पर है। हमारे करीब 14 धरने चल रहे हैं और उसके बावजूद भी सरकार ने हमारी मांग पूरी नहीं की, इसलिए हमने हरियाणा स्वाभिमान आंदोलन के तहत ये किसान यात्रा शुरू की है और यदि हमारी 25 तारीख को समापन है किसान यात्रा का चरखी दादरी में और 20 तारीख से गढ़ी सापला किसानों के मसीहा सर छोटू राम जी की प्रतिमा पर फूल अर्पित करके हमने यात्रा शुरू की है। यदि हमारी 25 मांगों को पूरा नहीं किया गया तो ये निश्चित है कि 25 तारीख से हम किसानों के दूसरे आंदोलन की घोषणा करेंगे और वो आंदोलन बहुत ही ज़बरदस्त होगा और इस मुख्यमंत्री को हम दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। पूरे विपक्ष को हम एकजुट करेंगे और पूरे विपक्ष को एकजुट करने के अतिरिक्त आज हम चुनौती देते हैं कि कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बने BJP का, लेकिन वो देहात की सीट से MLA बनके बने। अपने हरियाणा में 14-15 सीट को छोड़ के जो शहर की है, 75 से ज़्यादा सीट देहात की है या स्यामी देहात है गांव और शहर, जैसे जींद भी है, पीछे जी बाई इलेक्शन जीता। मैं कहता हूँ जींद से ही चाहे मुख्यमंत्री आकर के लड़े, मैं किसी किसान को खड़ा करूँगा या खुद खड़ा होऊंगा और उस सीट पर यदि मुख्यमंत्री जीत जाए तो उसको अगला मुख्यमंत्री बनना चाहिए, नहीं तो इस प्रकार के मुख्यमंत्री से हरियाणा को छुटकारा मिलना चाहिए।